छोटे पांच किलो की ठेकेदार मिलके दे रहे हैं भाई फाइन मैक्सी है डिकी सबाज गंदे करे फाइन मैक्सी भाई पहली रेड जांगली की तरफ से और ये पहली रेड डोरा की तरफ से रोहित डोरा और भाई देख लो कितना जानवीर गांव एडवांस में चीफ गेस्ट एक हरा भाई फर्स्ट प्राइज को चिंता मत करो अपने भाई को कितने अच्छे ढंग से अमीर ओला ने मोटिवेट करने का काम किया भाई राजू के लिए भी भाई सारा गांव लाग रहे गोंडा में पर्ची काटते हैं कोकड़ी रिश्तेदारी में काटते हैं कोकड़ी शहर में काटते हैं और इस गांव के अंदर ये मैं बढ़ाई की बात नहीं है सच्चाई है एडवांस में चीफ गेस्ट नमन करता हूँ मैं नंबर इस गांव का नमन करता हूँ और ये फौजी साहब बोलवर साहब मेरी भी दसवीं गांव में होगी भाई ये किनारे मैन से है ये किनारे पुलिस तो भाई जमा असली तो हरी कबड्डी का प्रेम करें स्वाद नहीं है बिल्कुल वो आदमी बैठे हैं जो असली सरकार ने किसी बलकार मान हदर रेड को हाँ और सोनू जानवी के साथ मुकाबला था छोटे गढ़ का बहुत ही सुंदर चार खिलाड़ी बलकार मान जिला करनाल गांव मोर माजरा बहुत ही कांटे का खिलाड़ी और भाई जितनी रजिस्ट्री मिया की टीम है मैं नमन करूंगा एक सूत्र में बंद के आपने चाहे खेल मैदान की बात है चाहे माननीय अतिथि मुख्य अतिथियों के मान सम्मान की बात है चाहे कोई व्यवस्था बना क्योंकि युवा शक्ति ही कोई व्यवस्था बनाती है इन बुजुर्गों का दानवीर करने का जो आपके ऊपर आशीर्वाद है और ये पॉइंट मिला दे दर्शक साथियों सोनू जानवी को ये रवि बोरे रोक स्टोर करने का काम किया फिर एड पर दर्शक साथियों नवीन कुमार पुनिया फिर एड पर से डोरा की तरफ से बलकार सिंह मान गांव मोर माजरा जिला करनाल असम से करनाल रोड पर यह गांव है जब महिलाओं का बहुत पुराना पारा शिक्षा का गुरुकुल है आजकल वो भी महाविद्यालय भी बन चुका है इस गांव का ये बेटा है बाकी दूर रहे भाई और हमारे गांव का बड़ा अच्छा खिलाड़ी राधा सिंह जो अंडर 17 में ऑल इंडिया खेल गया उस खिलाड़ी को भी मैं नमन करता हूँ भाई जो खिलाड़ियों का शहीदों का स्वतंत्रता सेनानियों का आजाद हिंद फौज के सेनानियों का गांव है जब 1973 में युद्ध हो रहा था सुरेंद्र कुमार जी बड़े अच्छे वो भी जानकार हैं सुंदर और बच्चे रवि गोरा हजी रोड पर रवि गोरा और काला जान मिला शानदार मुकाबला देखे दोनों खिलाड़ी के बीच में और रवि गोरा अंक लेने में कामयाब फिर नवीन कुमार गांव जानवी की तरफ से और सामने गोरा के चार कोचर और भी शानदार मुकाबला और फिर से साथ इस टूर्नामेंट अच्छा प्रयास दीपू गोरा है दीपू गोरा कमी है सारे खिलाड़ी की अमन और अच्छा कैसे रहे थोड़ा गाँव का अमन वो आज खेल मैदान से दौड़े लेकिन अपनी टीम के साथ फिर बलकार सिंह मान चार कैचर जानवे गाँव के काला जानवे सोनू जानवे और वही टोले हैं भाई
अमित तेरा की तरफ से जो रवि तेरा को कच लगाएगा जंगली के कचरों को मिलेगा। भाई अमित तोड़ा गांव बरसी की तरफ से घोषणा है पूरे लिए टीटा धनौरी और सतपाल जी टी फोर टाइगर टी फोर टीटा बहुत मस्त टीटे के हिस्सा लगे और इस टूर्नामेंट में लाज आकर प्रथम टीटा धनौरी श्री अतुल विश्व में लगी लेकिन कोई फर्क नहीं कोई दबाव नहीं टीटा के ऊपर जोर बात करें टीटा धनौरी के लिए और रवि देरा रेड पे है बहुत ही शानदार खिलाड़ी सामने चार कच्चर जानली ये काला जानली सोनू जानली और पुनी ये काला जानली के साथ मुकाबला आ रहा है रवि देरा का लाजवाब खिलाड़ी है। और दर्शक साथी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी ये रवि देरा का पहला सीजन होगा इस सीजन में इतना लाजवाब प्रदर्शन लगातार दस टूर्नामेंट में नाम सौंप रहा और इनमें चार पोजिशन फर्स्ट और पांच में सेकंड रहा है ये खिलाड़ी क्योंकि फिर नवीन कुमार रह देते हैं अच्छा प्रदर्शन कैप्चर के द्वारा और समय का एक एक सेकंड का हिसाब हमारे सीमा दीपी लाली ने तेरे वीर अकेडमी के संचालक प्लांट बेस टू डेरा और ये बलकार मान भाई छोटे गज का लाजवाब खिलाड़ी गजब की रफ्तार और पल्सर मोटरसाइकिल जैसे ब्रेक है इस खिलाड़ी के पास। देखिए यह है वे सैन्य जानली स्टॉप लाइन बहुत ही ताकतवर जानली के पास और अपने इसी स्टॉप लाइन के दम पर इस टीम में सुपरस्टार टीमों का दौर बताया आज इस टूर्नामेंट में हरियाणा की छंत्र टीम ने हमारे स्कूल में हिस्सा लिया और मैं बधाई देना चाहता पूरे खेल कमेटी को जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में गेम गेम के अपने टूर्नामेंट का प्रचार किया पॉइंट मिला डेरा का थोड़े गए पिछले राउंड में टीका तुम्हारी गाड़ी किसी चोट लगी लेकिन मैच रनिंग चलता हुआ रवि देरा बहुत ही शानदार दोनों टीमें सोनू जानू अच्छा मुकाबला देखे गजब की रफ्तार रवि देरा आउट गए मैच का हाफ टाइम घोष दिया और फिर टाइगर आ गया वो कबड्डी का यानी कि टीका धनौरी कोई खास चोट नहीं और बलकार सिंह मान छोटे कद का बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी दर्शक साथी उसके जोड़े में जो मोहन बाजरे का रेडर है वो मोहित है सिर्फ 17 साल का खिलाड़ी उसका प्रदर्शन आप देखना वो भी लाजवाब रेडर है कबड्डी का कल फरीदाबाद में सेमीफाइनल में खरग जाखण के साथ 3 बार बराबर रहा बलकार सिंह मान और गोल्डन रेड पे देखिए खरग जाखण की टीम ओनर रही आज फिर लाजवाब प्रदर्शन टीका धनौरी मैं दर्शक साथी अपनी मौजूदगी दिखाए यदि आप टीका धनौरी को हरियाणा का लाजवाब रेडी मानते हो तो जोरदार तालियों में टीका धनौरी के लिए कमाल का ताकत का प्रदर्शन और फाइनल मुकाबला खेलता हुआ देरा के साथ रवि रेड को रवि कुमार सीधे टच किया सोनू जानली को रेड को नवीन कुमार हाँ जी भाई अभी अभी हमारे फौजी साहब बात कर रहे थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के लिए की है, नींद तो पहले ही रखी है। हाँ जी, अगले टूर्नामेंट की हमारे गांव से प्रधान बलवंत सिंह जी जैदड़ उर्फ बल्लू, इन्होंने ये घोषणा की है कि भाई जो भी अगले साल मैच कराएंगे, जो भी खाने का खर्चा हुआ 3 दिन का, खिलाड़ियों का, दर्शकों का, जो भी खाने का खर्चा होगा मैं अपनी तरफ से करूंगा। तालियां बजा दो उसे। प्रधान बलवंत सिंह जी जैदड़ इन्होंने घोषणा की है कि जो भी 3 दिन लगातार खाने का खर्चा होगा मैं अपनी तरफ से करूंगा। भाई धन्यवाद प्रधान जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी हमारा सहयोग करते आए हो, अब भी कर रहे हो और हमें आशा है आगे भी करूंगी। ये पूरी कमेटी, पूरा गांव आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, बहुत बहुत आभारी है जो कि आपने इतना मान सम्मान गाँव को कमेटी को दिया। धन्यवाद प्रधान जी। तो आज की खेल प्रतियोगिता के हमारे प्रथम पुरस्कार के मुख्य अतिथि आपके सामने बैठे हैं, रोशन लाल जी मालवा। इन्होंने 71,000 रुपये अपनी नेक कमाई में से प्रथम पुरस्कार दिया है, एक बार तालियां बजा दो। द्वितीय पुरस्कार कुलदीप कुमार जी कटिया साहब। दूसरा इनाम कुलदीप कुमार जी 51,000 रुपये नेक कमाई में से देंगे, तालियां बजा दो, तालियां बजा दो। तीसरा इनाम हमारे भैया ईश्वर सिंह जी कोहली, ईश्वर सिंह जी 31,000 रुपये देंगे, एक बार तालियां बजाओ ईश्वर सिंह जी, बहुत जोर से तालियां बजाओ भाई। चौथा इनाम श्री फतेह सिंह जी गढ़वाल 21,000 रुपये, और 21,000 रुपये हमारे राम भगत जी राठी जी ये दे रहे हैं, इनके लिए तालियां बजाओ ईश्वर जी। आज की अध्यक्षता हमारे भैया रमेश कुमार जी सराज से ही ओला साहब, इनकी अध्यक्षता में गेम हो रहे हैं। तो आज इन्होंने जिम के सामान की घोषणा भी कर दिया है, ये पूरा गांव, पूरी कमेटी आपकी आभारी है। रमेश कुमार जी, ओला साहब, आप जो कुछ भी गांव में गवान में इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप पूरा कमेटी, पूरी हमारी कमेटी के सदस्य आपका पूरा धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि आपने घोषणा की कि जिम का सामान बरसी के खिलाड़ियों के लिए मैं ला के दूंगा। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं रमेश कुमार जी ओला साहब। और वो दर्शक साथी देखिए, इस खेल मेले के अध्यक्ष के रूप में भाई रमेश ओला जी, बड़ी खुशी की बात है कि वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के उम्मीदवार भी हैं भाई। हमारे आसपास के दर्शक जितने साथी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि एक एक वोट डालकर भाई रमेश ओला के हाथों को मजबूत करें। और देखिए बहुत ही शानदार मैच भी चलता हुआ, नवीन कुमार रेड बहुत ही शानदार मुकाबला, अच्छा प्रयास जीते के द्वारा जीते देवा। फिर बलकार सिंह मान और सामने चार कैचर जानली के, काला जानली, सोनू जानली, पोनी कांटे का मुकाबला 4-1 के बीच। दर्शक जान दे के अंतिम छोड़ में कुछ भी हो सकता है, काला जानली गिरफ्तार का कैचर बजेगी और बलकार सिंह मान लाशदार खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन एक खिलाड़ी की छूट में। आज इस बलकार ने दोहरा की टीम का प्रतिनिधित्व किया भाई। फिर टाइगर यानी कि अमित कुमार और पिता बनौरी लाजवाब खिलाड़ी, सेंटर टीमों में से दर्शक साथी है आपके सामने बिल्कुल करीब बची हुई है, देर और जान बिखड़ो। रवि देरा बहुत ही
कमाल का प्रदर्शन, पहला सीजन खेलता हुआ खिलाड़ी, 10+ का छात्र है, मात्र 19 साल में। नवीन कुमार रेड जो भाई खेलने में अनुभव सेंटर दिखाए, मैच अपने अंतिम क्षण में चलता हुआ मुकाबला और नवीन अंक लेने में कामयाब। और दर्शक साथियों कोई बढ़ाई की बात नहीं, हमारा जो खेल मिला हुआ हरियाणा प्रदेश ने एक खिलाड़ी की चोट में सबसे शानदार खेल मिला हुआ। और वह एक शानदार सूचना है काला जानवी के लिए, काला जानवी जितने भी कैच लगाएगा बरसी गांव के हमारे सरपंच पद के दावे उम्मीदवार है भाई बलबीर सिंह देगा, हर कैच पर काला जानवी के खाते में 500 रुपए जाएंगे भाई। जोरदार तालियां बजाए भाई इन दानवीर साथी के लिए। और जो चिट्टा ही कैच मारेगा इस कैचर को भी भाई, सिर्फ कैचर में डाल खुला है कदे को भाई रेडर आगे थे और जिन्हें रेडर पैसे लगे थे। और ये नवीन कुमार भाई आखिरी राउंड भाई, आखिरी अंतिम राउंड सेंटर से करो, मैच बहुत ही कैटेगा खुला हुआ है और डबल टच का सारा सिर से बढ़ा देगा पॉइंट बेग टू जानवी। और दर्शक साथियों जोरदार तालियां, मैच बराबर। चला जी कराए हम बोला मिक्स चला के देखा, मिक्स का भी बंदा गया ट्रेनर की आवाज आई, दूसरे के फिर फोन किया बोला कि चला जी कराए हम बोला मिक्स चला के देखा, उसने फिर बटन दबा दिया ट्रेनर की आवाज आ रहा है बोला ठीक से बड़ा कम टाइम बगाल दिए, 5 दिन की गई है चौथा दिन आ लिया, 4 दिन में उल्टा घर आ गया घर आने बंदा फिर और बड़ा छोरा पा गया रहा आप फुटरी मार के इससे अगला बाजू देगा नहीं 4 दिन में मुख से लेकर जा रही है। बल्कि फिर प्रधान की तरफ से जो भी खिलाड़ी रवि जोरा ये कैच लगाएगा कैचर के दाम हो जाइए 200 रुपये कैचर के खाते में जाएंगे जो रवि जोरा कैच लगाएगा। और ये दर्शक ये तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है रेडर बॉक्स में रहे चीफ रेफरी सिलावन मोरिन के खिलाफ पॉइंट दे दो, रेडर बॉक्स से बाहर आते हैं तो आप इनको कंट्रोल करें। और ये देखिए बलकार सिंह और सोनू जान मेरे बीच मुकाबला, बलकार सिर्फ से फिर नवीन कुमार भाई शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, कांटे का प्रदर्शन और दीपू जरा लगा बेटा दीपू और ये 200 रुपये का इनाम लेटर कृष्ण प्रधान की तरफ से, यदि कोई कैच मारेगा तो कैचर को डाल होगा 200 रुपये, जो कैच मारेगा कैचर के खाते में जाएंगे भाई, सिर्फ कैचर को डाल है। और ये है सोनी कांटे का मुकाबला चलता हुआ, मैं ब्रह्मबाल सिंह एक बार मंच पे आए आपका कोई साथी याद कर रहा है। और ये टीचर की नौरी की रेड में और शानदार मुकाबला टीचर धनौरे अंक लेने में कामयाब, दीपक के साथ मुकाबला था भाई फिर बलकार मार Yeah.
सिलापन मेरे पिताजी जी कौन फिर चौथे गए बलकार मान और ये सफल रेड बलकार मान की ये भी चौथे रेड है साज नारायण कुमार की लाइफ लाइन हमें देखे कौन बनेगा लखपति चौथी लाइफ लाइन और शानदार खेल डॉक्टर के द्वारा दो रन का तक है एक रन का फायदा मैच बहुत ही शानदार चलता हुआ और भाई सुनील मालवाल एक बार मंच पे आए सुनील मालवाल रवि गोला रेड पैंड काला जानवी बराबर का मुकाबला चलता है और रवि अंक लेने सफल आखिरी रेड है दर्शक साथियों और ये निर्णायक रेड है जी भाई टीका दलोरी पांचवी लाइफ लाइन के साथ निर्णायक रेड और हमारे दर्शक बहुत ही खुश होते हुए फाइनल मैच जितना काटेगा हुआ शानदार कोशिश में लिखा जाएगा आप सभी दर्शक भाग्यशाली है जो से क्लासिक खेल में सदन रवि गेरा शानदार खिलाड़ी अपने पहले सीजन में लाल बात प्रदर्शन करता है देखिए काला जानवी को टच किया और अजय बड़े सिंह फैसले बहुत ही समान रवि कौन से भाई किसने समान ये रहे हिदा लगा दारू क्यों पैसे डांगरा ने उसे जवाब रहे इसने पकड़े गए सिंगा भाग रहे पलेगन चश्मे को लड़क ने आँख में लगाई सर सर कंट्रोल करो मैं देख तीन रेट की बात रही साथी आप क्या जोश देखने लायक है और रेड में टीचा ही है यानी कि टाइगर कमाल का लाजवाब प्रदर्शन बलकार मान दूसरी रेड है जी दूसरी लाइफ लाइन है दोरा की तरफ से और कमाई का प्रदर्शन और फिर नवीन कुमार ने शानदार प्रदर्शन नवीन जानवी खरीद की तरफ से शानदार प्रदर्शन दीपी ने बैठ बताया दीपी और आखिरी एक एक रेड बस ये भाई दर्शक साथ एक नजारा जो जोरदार कार्य वाले सभी दर्शक अरे ताड़ी हम बेटे तो सुना करते बजा देते चोरी फिटने का खतरा था मुझे बजाने यार आप तो यहीं से जो रंडे बजा रहे थे पहले ही बीच आगे वो भी मुझे बजा रहे थे कमाल की बात है वही जोड़ा कमाल का खिलाड़ी भाई और अंतिम और आखिरी रेड निर्णायक रेड है भाई टीचा दंदोरी उम्मीद तो ये है कि फिर बराबर हो सकता है क्योंकि टीका घर इतना आसान नहीं भाई लाल लाल खिलाड़ी अमित कुमार उर्फ टीका बगल तक जोरदार कार्य फिर बराबर और भाई बहुत सुंदर राजू इस टूर्नामेंट के इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा समस्त पंजाब हरियाणा में पेश करवा दे रहे गोल्डन रेट होगी गोल्डन रेट का ये मैच होगा हमारे सारी चैंपियनशिप का ऑफिशियल से अनुरोध है गोल्डन रेट करवा दो पेश करवाओ चाहे सारी रात चलाए जाओ नियम के हिसाब कोई फायदा नहीं होता और लेकिन हम सीना तान कर ये कह देंगे बरसी गांव में खेल प्रतियोगिता हुई थी और फाइनल मुकाबला गोल्डन रेट पे जाकर डिसीजन हुआ था टॉस करवाओगे टॉस करवाओगे और इसमें
जो कैच करेगा गोल्डन कैचर भी हो सकता है, गोल्डन बॉय होगा, कोई भी हो सकता है गोल्डन बॉय। हाँ अरे इतना क्या बात है यार, तुम इन पर विश्वास करो ना हमारे ऑफिशियल पर। मैं पीछे कर ले, अजय अजय इनके पीछे कर दे पहले सारे नंबर, पहले वो कैप्टनों ने बुला ले दो वाले। रेग होगी ना उसकी, हमारी किसकी है गोल्डन रेग, जानवी की गोल्डन रेग हो गई। हाँ भाई गोल्डन रेग जानवी की तरफ से जो मारेगा वो गोल्डन रेग होगी, उसमें देखते हैं गोल्डन कैच में परिवर्तित करते हैं या ना करते हैं। दर्शक साथियों जोरदार तालियां बजा दे, इसमें इस मर्सी के तीन देश के लिए